हेलो एवरीवन, तो आज है मेरा बर्थडे और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मुन्नार में। ये देखिए रात के 12 बज गए हैं और मेरे हस्बैंड जो है मुझे उठा रहे हैं केक कटिंग के लिए। ये देखिए मैं अभी थोड़ा सा सरप्राइज हुई है सब देख के। देखिए मेरा केक, अभी मैं केक कट करूँगी। केक कट करने के बाद ये जो गिफ्ट्स है सब वो मुझे दिए जा रहे हैं। अभी हम ये गिफ्ट लेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या है। सरप्राइजेस और गिफ्ट्स तो हर किसी को पसंद होता है, राइट? चलो देखते हैं अभी क्या क्या गिफ्ट मिला है मुझे। अभी जो मेरे हस्बैंड है वो मुझे हेल्प कर रहे हैं मेरे गिफ्ट्स को ओपन करने में। चलो अभी करते हैं गिफ्ट्स की ओपनिंग, देखते हैं क्या क्या है। वो जो है वहाँ पर ड्रेसेस है, ये बॉक्सेस है। अभी मुझसे एक अकेले से सब नहीं हो रहा है, तो अभी मैं सबको बुलाऊंगी, हम सब मिल बांट कर बैठ के जो गिफ्ट्स है वो ओपन करेंगे। देखिए कितनी, चलो तो अभी ऑलमोस्ट सब ओपनिंग हो गया है। ये है मेरे फेवरेट पान चॉकलेट्स जो केरला में नहीं मिलते हैं, तो मेरे हस्बैंड ने जो है वो महाराष्ट्र से ऑर्डर किए हैं मेरे लिए। बहुत सारे चॉकलेट्स है। अभी इसमें से ये एक जो पैकेट है वो श्रुति ने पहले से ढाप लिया है, लेकिन फिर भी ठीक है। यह है बॉडी मसाजर। अभी कुछ जो हमें थोड़ा बहुत पेन होता है या फिर बॉडी रिलैक्सेशन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो ये बॉडी मसाजर भी मुझे गिफ्ट में मिला है। और ये है कॉफ़ी मग, इस पर लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे एंड वहाँ पर है मेरे दो अच्छे से पिक्चर्स। और ये देखिए ये है टू ड्रेसेस। एक्चुअली हम टू डेज बिफोर गए थे, वो दो अलग से लिए थे ड्रेसेस और ये दो अलग से पैकिंग में मिले हैं मुझे गिफ्ट। और यह है अभी मैंने अभी कर दिया है मेरा वीलॉगिंग स्टार्ट, तो उसके लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है मेरे फैमिली की तरफ से। ये देखिए अभी हम सुबह उठ चुके हैं, अभी रात को हम लेट सो गए थे सब सेलिब्रेशन वगैरह करके, तो अभी सुबह थोड़ा सा लेट उठ गए, ऑलमोस्ट 8 बज चुके हैं। और चलो देखते हैं अभी बाहर का नज़ारा कैसा है। अभी मेरे जो हस्बैंड है जो उठ के वो अभी जाके चिल कर रहे हैं उधर, आगे जो झील है उसको देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अभी मैं जाऊंगी और उनके साथ करूंगी एंजॉय। देखिए अभी ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर ग्रीनरी है, पेड़ है, इसलिए वो झील अच्छे से नहीं दिखाई दे रही है वीडियो में, लेकिन अगर आप वहाँ पर जाओगे रियल में तो बहुत ही मस्त नज़ारा आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए हम दोनों यहाँ पर, और वो जो है श्रुति वहाँ से हमारा वीडियो ले रही है उनके उनके जो उनका जो ट्रेंड है वहाँ से। अभी देखिए यहाँ पर हमारा मॉर्निंग हो चुका है, मेरे हस्बैंड फ़ोन में बिजी है बैक गेम खेलने में, और मैं जो हूँ उनकी उनको डिस्टर्ब किए जा रही हूँ। उनको नहीं तो किसको डिस्टर्ब करूँगी, है ना। चलो अभी थोड़ा सा जाएंगे झील के पास और थोड़ा सा पानी भी इंजॉय करेंगे। अभी मैं गई हूँ वहाँ पर, देखिए आप देख सकते हो कितना मस्त नज़ारा है, पानी भी है, सुबह की हवा। ये देखिए मैं और श्रुति, और ये देखिए हमारे रहने की जगह। अभी हम हो चुके हैं रेडी जाने के लिए। सुबह जो हमने रात का बहुत बड़ा केक था और फ्रूट्स था, तो हमने वही ब्रेकफास्ट कर लिया है। अभी हम निकल पड़े हैं और हमको दिख गया है एक चॉकलेट फैक्ट्री, वहाँ पर जो है चॉकलेट्स बनते हैं बहुत ज़्यादा मुन्नार में, होममेड चॉकलेट्स भी मिल जाते हैं और ये मतलब फ्रेश फ्रॉम फैक्ट्री। तो हम गए हैं वहाँ पर चॉकलेट्स लेने के लिए और चॉकलेट्स हम देख रहे हैं वहाँ पर। आप जितना मन चाहे उतना चॉकलेट्स खा सकते हो फ्री में, लेकिन आपको अगर घर लेके जाना है तो आपको उसका पैसा देना पड़ता है। तो हमने बहुत सारे चॉकलेट्स वहाँ पर टेस्ट किए, और अभी टेस्ट करने के बाद हम सिलेक्ट कर रहे हैं कि कौन सा हमको घर लेके जाना है। अभी मैं घर पर मम्मी पापा प्रज्वल सबके लिए भी भेजूँगी, तो हम अलग अलग से दो जगह पर उसको पैक करवा रहे हैं। ये देखिए ये जो होता है ना, दिख रहा है ब्राउन कलर का, ये इसमें जो ये होता है चॉकलेट्स के
क्या बोलते हैं उसको, बीज होते हैं वो होते हैं, फिर वो बता रहे हैं हमको कि कैसे उसका प्रोसेसिंग होता है और कैसे वो चॉकलेट्स बनाते हैं फ्रॉम स्क्रैच, वो बता रहे हैं अभी। ये देखिए उसका वो सीड जो है उसको वो 10 डेज के लिए फर्मेंट करते हैं और उसके बाद उसका ऐसा जो है बीज निकलता है और अभी वो हमको दे रहे हैं टेस्टिंग के लिए। चलो देखते हैं। मैंने इसको टेस्ट किया लेकिन ये बहुत ज़्यादा कड़वा है। उसके बाद उन्होंने बताया कि वो इसमें जो है बटर शुगर वो जो सिर्फ मिला के उसको वो जो मशीनरीज है उसमें वो लोग पूरा चॉकलेट प्रोसेसिंग करते हैं और कैसे कैसे अलग अलग वराइटीज़ के चॉकलेट्स बनाते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, कौन से मशीन्स वहाँ पर है, कैसे बनता है, वो सब प्रोसेस वो हमको बहुत ही अच्छे से बताते हैं वहाँ पर। और उसके बाद टेस्टिंग के लिए भी देखते हैं। वैसे टेस्ट तो हमने पहले ही कर लिया था, फिर उसके बाद उन्होंने जो एकदम 99% वाला डार्क चॉकलेट होता है वो टेस्ट करने के लिए दिया था। वो बहुत ज़्यादा कड़वा था, तो उसके बाद मैंने फिर से और चॉकलेट स्वीट वाला चॉकलेट ले लिया था। तो चलिए अभी हम जा रहे हैं एक प्लेस देखने के लिए, अभी मैं दिखाऊंगी आपको। ये देखिए आपको वो दूर से एक झील दिखाई दे रही होगी, ये ट्री प्लांटेशन की वहाँ पर बीच में वहाँ पर एक बड़ी सी झील है, वाटरफॉल है। तो अभी हम वहाँ पर जाने वाले हैं, वहाँ पर जाएंगे और जाके उसको पास से देखेंगे। तो अभी हम हैं हील पे, तो अभी हमको बहुत ज़्यादा डीप डाउन जो है बहुत नीचे जाना है ताकि हम वो उसके जो बेस पे है वहाँ पर जा सकें और उसको पास से देख सके। अभी हम ऑन द वे जा रहे थे तो हमको ये दिख गया फूलों का फ्लावर का पार्क। यहाँ पर आओगे आप तो आपको हर एक वैरायटी के 1000 फ्लावर्स की वैरायटीज़ देखने को मिलेगी और ये बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पर आप आओगे तो कलर कलर के हर एक फ्लावर्स यहाँ पर है। यहाँ पर एक फ्लावर ऐसा भी है जो ओनली 12 इयर्स में एक बार ही आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको देखना है तो आपको 12 साल वेट करना पड़ेगा। चलो तो अभी देखते हैं कैसा है वो पार्क। देखिए फुल ऑफ ग्रीनरी, फ्लावर्स, कलर्स। ये देखिए यहाँ पर ये इतना मस्त जगह है कि हमको कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। हमने तो एक से ज़्यादा एक बढ़िया फ़ोटोज़ और वीडियो यहाँ पर ले ली थी। देखिए हम बहन भाई यहाँ पर साथ साथ, ये देखिए मैं और यहाँ पर है श्रुति और उसके जीजू। हमने वहाँ पर बहुत एंजॉय किया। ये देखिए जंगल में हम कर रहे हैं डांस, आता तो दोनों को भी नहीं है लेकिन कर रहे हैं एंजॉय, बिकॉज इतना मस्त मौसम हो तो हर किसी को मन करेगा एंजॉय करने का, राइट। ये देखिए अभी हम पूरा जो है नीचे आ चुके हैं और ये जो झील दिख रही है आपको वाटरफॉल, ये बहुत क्लोज यहाँ से दिखेंगे। अभी हम गाड़ी पार्क कर रहे थे तो हमको ये दिखा पेड़, तो ये पेड़ क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये है ब्लैक पेपर, तो इसको आप सुखाओगे तो बन जाएगा ब्लैक पेपर और केरला में ये बहुत ज़्यादा मिलते हैं आपको हर कहीं पर। ये देखिए अभी हम आ गए पास में झील के, यहाँ पर अभी हम थोड़ा सा चिल करेंगे। देखिए कितना रो में, अभी हम वहाँ पर पास में नहीं जा सकते क्योंकि पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है। आप जैसे हम देख रहे थे बहुत ही हील से ये आ रहा था पानी। अभी देखिए अभी हो गई है दोपहर और हमको लग गई है भूख, तो हम गए थे खाना खाने के लिए। खाना खाने के लिए हमने सोचा आज मेरा बर्थडे है तो एक स्पेशल डिश ऑर्डर करेंगे, तो हमने स्पेशल थाली ऑर्डर किया है। अभी आप सोच रहे होंगे इतनी ही नहीं, इतने ही नहीं है, यहाँ पर वो अंकल फिर से और बहुत ज़्यादा ग्रेविस लाएंगे। वैसे आज मेरा बर्थडे है इसलिए स्पेशल ऐसा कुछ नहीं है, बचपन से ही मेरा हर एक दिन मेरे मम्मी पापा बहन भाई सब ने बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाया है और शादी के बाद भी मेरे जो हस्बैंड थे वो उन्होंने भी हर एक दिन को मेरे स्पेशल बनाया है। लेकिन ये बर्थडे के देखिए अभी हमने जो ऑर्डर किया है उसमें 14 टाइप के 40 तरह के डिफरेंट डिफरेंट करीज एंड स्वीट्स थे, पायसम 2 टाइप्स के और बहुत कुछ था। अभी हम बहुत फुल हो गया है खाना, अभी हम निकल पड़े हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। ये देखिए हम दोनों यहाँ पर बहनें अभी हम आए हैं। यहाँ पर एक छोटा सा मार्केट है और ये मार्केट के उस साइड पे है डैम जहाँ पर
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है केरला की। यहाँ केरला में दो जगह पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और उसमें से ये है एक, उसमें से जहाँ पर हम आए हैं वो एक पार्ट है और एक दूसरा भी है, वहाँ पर हम नहीं गए हैं क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं था। अभी श्रुति ने सिर्फ डोसा खाया था क्योंकि वो बहुत सिलेक्टिव है खाने में, उसको यहाँ पर खाना था मक्का कौन। तो अभी हम यहाँ आए हैं, अनिकेत और भाई के जो है वहाँ पर चाय ली है उन्होंने। मैं बहुत ज़्यादा फुल थी अभी भी, लेकिन इसलिए मैंने कुछ नहीं लिया है। देखिए ये जो डैम है, डैम का इस साइड का पार्ट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पानी आता है। ये देखिए वो साइड है झील का जहाँ पर फुल वाटर है, वहाँ पर आप बोट राइडिंग भी कर सकते हो। अभी हम आए हैं एक व्यू पॉइंट पर, वहाँ पर जो पानी के साइड में बहुत ज़्यादा मस्त ग्रीनरी था। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों कैसे एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने इसको हैंगिंग गार्डन बना दिया है और ये अभी बच्चे बन चुके हैं। देखिए पानी भी है, पेड़ भी है और पर्वत भी है, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा, फुल पैकेज है। और अभी हम फिर से यहाँ पर लग पड़े हैं एक नहीं अच्छा सा डांस करने में, जो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम दोनों साथ में ही परफेक्ट हैं। तो ऐसे हमारा दिन आज का जा रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और ये जो है ये सब नज़ारा देख के तो यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। तो अभी हम यहाँ पर बैठ गए हैं थोड़ी देर के लिए, ऑलमोस्ट सनसेट जो है होने को आ रहा है। हम जहाँ पर बैठे थे वहाँ पर साइड में दो जो लोग थे वो फिशिंग कर रहे थे, एक जो है वो नेट से कर रहे थे और जो दूसरे हैं वो हाथ से, लिटरली हाथ से वो फिश पकड़ रहे थे। उनके पास जो कुछ राइस या कुछ था वो पानी में डाल रहे थे और उसकी अकॉर्डिंगली वो फिश निकाल रहे थे। यहाँ पर देखिए अभी हम बैठे हैं यहाँ पर थोड़ा सा चिल कर रहे हैं। देखिए कितना मस्त, अभी देखिए ऑलमोस्ट जो है सनसेट होने को आया है। अभी श्रुति को सनसेट देखना था क्योंकि वो अभी लेटेस्ट जो ट्रेंडिंग रील है टिक टिक वाला, सनसेट से सनराइज वाला, सनराइज से सनसेट वाला, वो उसको लेना था, इसलिए हम वहाँ पर बैठे थे थोड़ी देर के लिए। तो अभी ये सब हो चुका है, हम निकल पड़े हैं अभी आगे जाने के लिए। अभी हम जाएंगे और जाने के बाद ये जो है ना रास्ता, देखिए थोड़ा भी स्ट्रेट नहीं है, पूरा घाट है, ये हिली एरिया है तो स्ट्रेट रास्ता नहीं मिलेगा। और वहाँ पर जो है ना दैट इज़ एलिफेंट क्रॉसिंग रोड है वो, वहाँ पर जो पानी है वहाँ पर रात में एलिफेंट्स जो है, हाथी जो है आते हैं पानी पीने के लिए। अभी हम यहाँ पर केरला में मुन्नार में है ट्री प्लांटेशन देख लिया, तो हम अभी आए हैं टी पाउडर का जो फैक्ट्री होता है वहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर अभी बहुत फ्रेश और वो जो फैक्ट्री है वो जैसे चॉकलेट की थी वैसे भी यहाँ पर टी की इसमें साइड में ही है। तो अभी आए हैं और हम यहाँ से ग्रीन टी हर एक वैरायटी देखेंगे और करेंगे शॉपिंग। अभी हमने कुछ हमारे लिए भी ख़रीद लिया है, कुछ मम्मी पापा के लिए और कुछ अम्मा के लिए भी, जो मेरे ससुराल के लिए और मेरे महके के लिए और मेरे लिए। एक्चुअली मुझे टी और कॉफ़ी कुछ भी पसंद नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत बड़े फ़ैन है टी कॉफ़ी के। तो अभी हम करेंगे शॉपिंग टी कॉफ़ी की। देखिए कितने सारे वैराइटीज़ है और बहुत ऑफर्स भी है इस पर, तो हमने बहुत सारे ले लिए है, ये टी है और ये कॉफ़ी है। अभी हम शॉपिंग करके निकल पड़े हैं। ये देखिए शाम का जो टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट, जो सूरज है वो पूरी तरह से डूब चुका है। अभी हम जो कोची में रिटर्न आ गए हैं, डिनर कर लिया है मेरे फेवरेट प्लेस पे, लेकिन मुझे चिकन रोस्ट नहीं मिला तो हमने एडजस्ट कर लिया। और फिर उसके बाद आए हैं हम हमारे फेवरेट आइसक्रीम कॉर्नर में, यहाँ पर आइसक्रीम श्रोती है अनिकेत को भी टेस्ट करवाया। ये देखिए अभी हम यहाँ पर आइसक्रीम खाएँगे और अभी घर पे जाके आराम करेंगे। और ऐसे ही हमारा आज का दिन बीत गया है। मेरा बर्थडे जो था वो अनिकेत श्रुति ने यहाँ पर आके इतने दूर आके लीव्स लेके इतना ट्रैवल करके मेरा बर्थडे स्पेशल बनाया है। मेरे हस्बैंड ने भी ये सब प्लान करके जो चीज़ें मुझे मेरे बकेट लिस्ट में थी वो सब करके उन्होंने भी
बहुत एफर्ट्स लिए हैं इसके लिए, इसीलिए थैंक यू फॉर एवरीवन। आप भी मेरा वीडियो देखो और बताओ कैसा लगा फिर हमारा ट्रिप आपको। एंजॉय एवरीवन। चलो अभी ये लास्ट जाते जाते एक बार देखते हैं मुन्नार की गलियाँ, और देखते रहो मेरे वीडियोस, उसको लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, और अच्छा लगे बुरा लगे जैसा भी लगे कमेंट में भी बताते जाओ, ताकि मुझे पता चले कि मैं के मेरे जो वीडियोस हैं वो कैसे हैं और मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करनी है। ओके चलो फिर एंजॉय योर डे, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।